महाराज बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान लगाकर सुनना। किसी से तुमने बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर किसी को व्यापार में, व्यवसाय में, कोई काम में किसी को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर, सीधा था समझ नहीं पाया, उससे तुमने 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 तुमने ले तो लिए और खुश भी हो गए कि मैंने उससे ले लिए। अब वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आए लेने के लिए भला क्या बिगाड़ लेगा। और वो आया, उसने कहा भैया तुमने मेरे पैसे ले रखे हैं, दे दो ना। भैया उस समय पर जब मेरे पास था मैंने आपको दे दिया था, अब आपका काम हो गया ना, दे दो। अब आपके पास में पूंजी आ गई ना, दे दो। बहुत ध्यान दीजिए महाराज, दो तरह का पैसा होता है। एक व्यक्ति ब्याज पर देता है ना ब्याज पर, कि तुम ये रुपया ले जाओ, हम तुमसे इतना ब्याज लेते रहेंगे, बाद में मूल दे देना। और एक व्यक्ति वो होता है जो अपनेपन से, प्रेम से, अपनी करुणाता से, अपनी पहचान से, अपने हृदय से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने दिल से जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तो कह देता ले ले जा 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, काम निकाल ले, बाद में दे देना। पर व्यक्ति इतना विचित्र हो जाता है कि जिससे ब्याज पे लिया है उसका तो पूरा ब्याज देता रहता है, और जिसका बेचारे का देना है उसका दे ही नहीं पाता। पर निवेदन है, जिसने तुम्हें मुसीबत में साथ दिया, तकलीफों में, कष्ट में तुम्हारे साथ दिया, सबसे पहले हाथ जोड़कर उसको निवेदन कर देना कि ये तेरा है भाई, ना जाने फिर जरूरत पड़ जाए तो तुझसे मिल तो जाएगा। जब एक बार दे दोगे तो वो दूसरी बार देने के लिए तैयार बैठा रहेगा। पर तुमने जब सोच लिया, विचार कर लिया कि मैं तो खा रहा हूं, निगल रहा हूं, तो फिर जब नियत में खोट आ गया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा जिसका तुमने पैसा खाया, वो कुछ नहीं करेगा। अब तो वो करेगा जिसने इसके माध्यम से तुझे दिलाया, उसको कुछ नहीं करना।